उत्तर प्रदेश में सत्ता और अपराध का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है। यहाँ सत्ता के साए में अपराधी पलते हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीर कानपुर में देखने को मिली, जहाँ सपा नेताओं के साथ दिखने वाला हिस्ट्री शीटर अब बीजेपी सरकार की शरण में है। वो भी तब जब मुख्यमंत्री खुद प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने की बात करते नहीं थक रहे। लेकिन जैसे ही सूबे में नए प्रदेश अध्यक्ष बने, ये हिस्ट्री शीटर पहुंच गया उनकी शरण में। फिर क्या था, राजनीति और अपराध का नया गठजोड़ बन गया। कुख्यात हिस्ट्री शीटर धीरज का इतिहास बहुत पुराना है। धीरज ने जनवरी 2016 में सपा सरकार के वक्त हितकारी नगर में रहने वाले अरुण त्रिवेदी की जमीन पर जबरन कब्जा कर लिया। यही नहीं, विरोध करने पर अरुण की गर्दन चाकू से रेत दी। मेरा 42 साल पुराना मकान था, मेरे यहाँ किरायेदार शकुंतला अवस्थी रहती थी, उसने मकान छोड़ा, इन लोगों ने कब्जा करने प्रयास करने लगे। तब मैं अपना पुलिस अधिकारियों के पास गया, SSP वगैरह के पास, उन्होंने जांच के लिए सीओ कल्याणपुर को बोला। सीओ कल्याणपुर ने जाँच करी, जाँच करने के बाद उन्होंने पाया, उन्होंने रिपोर्ट भी मैंने इनको दे दिया है। रिपोर्ट में सब उन्होंने लिखा गुंडे दबंगे करके प्रयास किया जा रहा, कोई जमीन नहीं थी। फिर भी उन्होंने क्या किया, जनवरी 2016 में मेरे मकान पर हमला किया, दीवार तोड़ दी। दीवार तोड़ने के बाद मेरे दोनों भाइयों और मुझे ये मेरे गर्दन में चाकू मारी। अब आप सुनिए डिप्टी SP को, जो खुद बता रहे हैं कि धीरज गुप्ता पर कितने संगीन मुकदमे दर्ज हैं। धीरज गुप्ता एक हिस्ट्री सीटर है थाना काकादेव का, उसका HS नंबर 819A है। इसके ऊपर 25 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या के प्रकाश, रंगदारी, इस तरह के मुकदमे हैं उसके ऊपर। योगी सरकार अपराधियों पर नकेल कसने का ऐलान करती है, तो दूसरी ओर उनके ही नेता हिस्ट्री शीटर को शरण देते हैं। ऐसे में कई सवाल हैं जिसका जवाब योगी सरकार को देना होगा, नहीं तो यही कहा जाएगा कि सत्ता में केवल नाम का बदलाव आया है, काम का नहीं। पंजाब केसरी TV के लिए कानपुर से अमरीश त्रिपाठी की रिपोर्ट।